नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ मालीवाल मारपीट मामले में लगातार वो मुश्किलों में घिरे हैं, तो दूसरी तरफ कथित शराब घोटाले में भी उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि 20 दिन की जमानत पर अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से बाहर आए थे और 2 जून को उन्हें सरेंडर करना था, लेकिन केजरीवाल ने इससे पहले ही जमानत याचिका लगा दी और कह दिया कि मुझे 7 दिन की और जमानत चाहिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका सिरे से खारिज कर दी है। जी हां, अरविंद केजरीवाल को अब 2 जून को सरेंडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका अरविंद केजरीवाल ने लगाई थी उसे खारिज कर दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यह बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। उन्होंने अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जो कि अब खारिज कर दी गई है। कोर्ट की रजिस्ट्री ने केजरीवाल की अर्जी को स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया है। ऐसे में केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी गई है। अब देखना होगा कि केजरीवाल की अर्जी सुनवाई योग्य आगे होती है या फिर नहीं, लेकिन अभी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की है उसके हिसाब से अब 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना पड़ेगा। जानकारी देते चलें कि केजरीवाल को 10 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता से अंतरिम जमानत मिली थी और उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था। और अरविंद केजरीवाल को ये जमानत दी गई थी चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में उनकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गई और वो ज़्यादा चुनाव प्रचार भी नहीं कर सके। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले में किंग पिन बताए गए हैं और इसके बाद ही उनकी गिरफ्तारी की गई थी। अरविंद केजरीवाल से पहले उनके तमाम मंत्रियों की गिरफ्तारी की गई, वो भी इस वक्त जेल में हैं और कई ऐसे हैं जिनसे लगातार पूछताछ चल रही है। वहीं आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी जमानत बढ़ाने का जो आधार दिया था उसमें बताया गया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी शुगर, उनकी और जो बीमारियां हैं वो आगे बढ़ेंगी और ऐसे में उनका वजन घटा है, इसीलिए वो डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, 7 दिन की जमानत इसीलिए मांगी थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है और साफ तौर पर कह दिया है कि 2 जून को आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी हैं। और बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है और अब 2 जून को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ वापस जाना पड़ेगा।